अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। ललितपुर 226 विधानसभा सीट प्रशासन की निगरानी में मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, तो वहीं चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा ने तुबन सरकार मंदिर में टीका माथा। बसपा प्रत्याशी ने बर्डी जैन कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल में डाला अपना वोट, तो वहीं जनपद की मतदाताओं से कहा कि वह विकास के नाम पर वोट करें। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ बलराम पचौरी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ ललितपुर जनपद 226 विधानसभा के श्री वर्णी जैन जूनियर हाई स्कूल कॉन्वेंट के पास, जहां पर बसपा प्रत्याशी अपना वोट करने के लिए अंदर गए हुए हैं। और यहां पर जो कि बड़ी भारी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस व्यवस्था के बीच मतदान कार्य संपन्न हो चुका है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो यहां का नज़ारा दिखाएं, किस प्रकार यहाँ शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया चालू हुई है। लोग धीरे धीरे करके इक्का दुक्का लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए हैं। अब वोट के उपरांत मैं बसपा प्रत्याशी से भी आपको रूबरू कराऊंगा। वोट हम डाल चुके हैं और मैं अपील करना चाहता हूँ लेते हुए सभी लोगों से कि अपने मत का प्रयोग करें, यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आके कोविड गाइडलाइन के तहत अपना वोट डालें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ललितपुर सबसे नंबर वन रहेगा उत्तर प्रदेश परसेंटेज वोटिंग में, तो यही होगा और सब आके मत का प्रयोग करें। मैं आपका सतीश चंद्र। कहाँ कौन से मतदेय स्थल पर आपको वोट करना है? हमारी अटल विद्या मंदिर में जाना है, 226 नंबर। आपके क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हम जो है सिर्फ विकास के मुद्दे पर जो है एवं बेरोजगारी खत्म करने के लिए जो है उस मुद्दे पर वोट देंगे। धन्यवाद भाई साहब। आपने किन किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है? देखिए, आज जो वर्तमान की राजनीति है उसमें देश की सुरक्षा हेतु, हमारे परिवार की, आपके परिवार की सुरक्षा हेतु जो पार्टी ध्यान दे रही है, विकास के मुद्दों पर ध्यान दे रही है, जातिवाद नहीं देख रही है, ऐसी पार्टी को ही हम लोगों ने समर्थन दिया है।